हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट मैथ चैप्टर 5 पढ़ेंगे और इसमें एडिशन ऑफ नंबर सीखेंगे। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ नंबर सीखने के लिए हम काउंट एंड राइट को सीखेंगे। इसमें ये पिक्चर्स बने हुए हैं, ये फ्लावर्स के पिक्चर्स हैं। इसमें ये पहले तो ये काउंट करना है और आपको ये सॉल्व करके भी दिया जा रहा है। इस पिक्चर में आप ये देखेंगे कि इसमें ये काउंट करेंगे 1, 2 और 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और ये वाले फ्लावर्स हैं 1, 2, तो यहाँ पर ये 2 लिखेंगे। अब ये 2 और 3 इन फ्लावर्स का हम जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर जो फ्लावर्स हुए वो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में ये टॉफीज बनी हुई हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें काउंट करेंगे ये टॉफ़ी कितनी है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉफ़ी है और यहाँ पर 1, 2, 3 टॉफ़ी है। अब इन टोटल टॉफ़ी को हम जब काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर ये टॉफ़ीज़ हुई 9। और इसी तरह से इन क्वेश्चंस को हम और आगे भी सॉल्व करेंगे। अब है क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में भी इसी तरह से करना है। इसमें ये काउंट एंड राइट के द्वारा करेंगे हम। यहाँ पर 1 एंड 2, 2 आइसक्रीम्स हैं और यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर 3 आइसक्रीम है, तो टोटल जब आइसक्रीम को किया तो ये आइसक्रीम हुई है 5। इसी तरह से इसमें ये 1 कैट है यहाँ पर और यहाँ पर 1, 2, 3 कैट है। अब 3 और ये 1, इन टोटल कैट को जब काउंट किया तो ये हुई 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से काउंट करके करना है। अब है ऐड एंड राइट। यहाँ पर ऐड एंड राइट में यहाँ पर ऐड करना है, जैसे ये 5 है और यहाँ पर ये 4 है, तो सबसे पहले हम 5 लाइंस को ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और इसके बाद हम 4 लाइन को ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4। अब इन टोटल लाइंस को हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर हमने 9 लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से है, 4 एंड 4, इनको लिखने के लिए सबसे पहले हम 1, 2, 3, 4, 4 लाइन को ड्रॉ किया, इसके बाद फिर से 1, 2, 3, 4 लाइन को ड्रॉ किया। अब टोटल लाइन को जब हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर आंसर आएगा 8। और इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 5.2, इसमें भी ड्रॉ द लाइंस, लाइन के द्वारा हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 2 है, तो इसके लिए 2 लाइन ड्रॉ कर दी। अब टोटल लाइंस को हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 है और ये 2 है, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर 3 लाइंस को ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, और यहाँ पर ये 2 है, तो 2 लाइंस को ड्रॉ करने के बाद फिर इनको काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर आएगा 5। और इसी तरह से सभी क्वेश्चंस लाइंस को ड्रॉ करके ही सॉल्व किए जाएंगे। इसी तरह से ये 3 डिजिट वाले भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 1 लाइन को ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर 1 और 2 लाइन को ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब इन सारी लाइन को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और यहाँ पर आंसर आएगा 7। और सारे क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व किए जाएंगे। एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में हमें ऐड ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन जो कि इस तरह से ड्रॉ की जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और उसमें 0 से लेकर 10 तक के हम 9 तक के निशान बना देंगे। इसके बाद मार्क करने के बाद सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 से हम 3 पर स्किप करेंगे।
थ्री के बाद हमें फोर मार्क्स पर मूव करना है, तो हम इस तरह से जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4 बार स्किपिंग करते हुए जाएंगे, तो हम कहाँ पहुँच गए हैं, 7 पर, तो आंसर विल बी 7। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी नंबर लाइन को ड्रॉ करें। पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले जैसे 2 लिखा है तो 0 से हम डायरेक्ट पहले 2 पे आ जाएंगे। 2 पे आने के बाद यहाँ पर ये 6 लिखा हुआ है तो हम 6 टाइम्स स्किपिंग करेंगे, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमने 6 टाइम जब स्किपिंग किया तो हम कहाँ पहुँच गए, 8 पर, तो आंसर विल बी 8। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखें, सबसे पहले इसमें 5 है तो 5 पर आ जाएंगे, इसके बाद हम 4 बार जंप करेंगे, 3, 4 और हम आए 9 पर, तो आंसर आएगा 9। इसी तरह से इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब है क्वेश्चन 5.4, सोनिया हैज 3 मार्बल्स ऑफ रेड कलर एंड 4 वाइट कलर, हाउ मेनी मार्बल्स डज सी हैव इन ऑल। तो इसमें ये निकालना है कि कितनी इस पे तीन मार्बल्स तो रेड कलर की हैं और 4 मार्बल्स हैं वाइट कलर की, तो टोटल कितनी मार्बल हैं, तो टोटल करने के लिए हम प्लस करेंगे, यहाँ पर इनको कॉलम में लिखेंगे 3 और 4 को, तो 3 को और 4 को लिखने के बाद फिर जैसा कि ऐड का तरीका बताया है लाइन को ड्रॉ करके, जैसे यहाँ पर 3 लाइंस को ड्रॉ किया और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लाइन को ड्रॉ किया और टोटल लाइंस को जब हमने काउंट किया 6 एंड 7, आंसर आया यहाँ पर 7, तो इस तरह से हमने 7 को राइट डाउन किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से करना है। अब है एक्सरसाइज 5.1, 5.1 में ये वंस और टेंस डिजिट के एडिशन है इसमें, तो टेंस डिजिट के एडिशन में इस तरह से इनको कॉलम में लिखा गया है, ये है 1 तो टेंस पर है और ये 3 आया है वंस डिजिट पर और ये 6 भी वंस पर है, तो इसको हम टोटल करेंगे। इसको ऐड करने के लिए पहले हम इस तरफ वंस डिजिट से स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कभी भी हम जब एडिशन स्टार्ट करते हैं यदि टेंस डिजिट का एडिशन है तो सबसे पहले हम वंस डिजिट से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ये वंस डिजिट है तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1, 2, 3 लाइन, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन टोटल लाइन को जब हमने टोटल किया लाइंस को तो यहाँ पर आंसर आया 9। इसके बाद हम फिर टेंस डिजिट को टोटल करेंगे, तो टेंस डिजिट में तो केवल एक ही डिजिट है वो भी 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 वंस डिजिट में जो लाइन थी 5 और 4 उनको ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर काउंट करने के बाद आया है 9 और टेंस डिजिट पर लिखा है ओनली 2, तो यहाँ पर हम 2 को राइट कर देंगे। इसी तरह से इसमें भी है, पहले हम वंस डिजिट में आने वाली जो डिजिट है वंस में एक तो 5 है और 3 है, इनको लिखेंगे, इनकी लाइंस को ड्रॉ करेंगे 3, 4, 5, 2, 3, यहाँ पर इनको टोटल किया तो 8 आया और टेंस पर लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर हमने 2 को लिख दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले आप ये देखें कि हमें पहले कॉलम में लिखना पड़ेगा इसको, जैसे कि अभी ऊपर वाले आपने देखा है टेंस और वंस लिखने के बाद आप 2 और 5 को इधर लिखेंगे, इसके बाद 4 जो आया है ये ध्यान देने योग्य है कि 4 को जब लिखा जाएगा तो ये वंस की प्लेस पर ही लिखा जाएगा, क्योंकि इस पर टेंस डिजिट कुछ भी नहीं है, पहली वाली डिजिट में तो वंस और टेंस डिजिट दोनों थी, तो यहाँ पर हमने टेंस की जगह पर 2 लिख दिया, वंस की जगह पर 5 लिख दिया, लेकिन दूसरी वाली डिजिट पर केवल वंस डिजिट है, तो इस तरह से हम लिखेंगे और यहाँ पर प्लस का साइन लगाने के बाद फिर हम इसको ऐड करेंगे, तो 5 और 4 को जब हमने ऐड किया तो यहाँ पर आया 9 और यहाँ पर और कोई डिजिट नहीं है, केवल यहाँ पर आएगा 2, तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे 29। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर प्लेस नहीं होने की वजह से आप कॉलम में लिखेंगे तो आप अपनी नोटबुक पे करेंगे। एक्सरसाइज 5.6 में यहाँ पर वंस और टेंस डिजिट दोनों आई हुई हैं और वो दोनों ही एडेंड इसमें टेंस डिजिट के हैं, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पर ये वंस डिजिट पर तो 3 और 5 है ये वाला, और टेंस डिजिट पर भी 5 है और यहाँ पर ये 3 है, तो इनको सबसे पहले अब हम टोटल करेंगे,
तो पहले हम अभी हमने बताया था कि पहले हम वंस डिजिट से स्टार्ट करते हैं टोटल करना। तो वंस डिजिट में आने वाली जो डिजिट है उनकी हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर थ्री और यहाँ पर आए 1 2 3 4 5 को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमने काउंट करने पर 8 आया। अब इसका नेक्स्ट इधर पर ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3, तो इनको टोटल करने के बाद भी इसमें 8 आया। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। इसमें सबसे पहले वंस डिजिट पर आने वाली डिजिट को हम काउंट करेंगे 1 2 3 2 3 4, इनको काउंट करने के बाद यहाँ पर आया है 7 और यहाँ पर ये है 6। 6 को लाइन को ड्रॉ करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 1 2, तो यहाँ पर आएगा 8। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। अब है एक्सरसाइज 5.7। यहाँ पर ये ऐड कैरी वाले ऐड है। यहाँ पर ये सर्कल दिया जा रहा है आपके लिए, इसमें हमें कैरी लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम कैरी वाले ऐड में भी वही करेंगे जैसा कि हमने अभी पहले किया था। सबसे पहले हम वंस डिजिट की लाइंस को ड्रॉ करके हम इनको काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने लाइंस को ड्रॉ कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, यहाँ पर आया है 12। लाइंस को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 12। तो 12 लिखने के लिए हमें 1 तो कैरी देनी पड़ेगी और 2 यहाँ लिखेंगे, 1 2 12, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद अब हम जो 10th डिजिट पर जो 1 आया था कैरी का, उसको इसके बाद ये 2 लिखा हुआ है उसको, और यहाँ पर ये नीचे 3 है, इन सभी को ऐड करेंगे। तो 3 और 2 5 एंड 1 6, यहाँ पर आंसर आएगा 62। इसी तरह से 9 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो 9 और 5 14 होता है, तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर आएगा 1 कैरी। अब 1 कैरी के साथ में इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे, 1 को भी ऐड करेंगे, 6 को भी करेंगे और 2 को भी करेंगे, तो 6 2 8 और 1, यहाँ पर आएगा 9। और यहाँ पर भी इसी तरह से करना है, 9 और 4 होते हैं 13, 13 में 1 कैरी इधर देंगे और अब इन तीनों को हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। यहाँ पर भी इसी तरह से करना है, 6 7 हो जाते हैं 13, 13 को हम इस तरह से लिखेंगे और 5 1 6 एंड 1 7। यहाँ पर 9 और 1 10, 10 का 10 को हम इस तरह से लिखेंगे 1 0 10, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर आएगा फिर 1, 5 और 2 को जब हम ऐड करेंगे 5 2 7 और 1 8, और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आप ही को इस तरह से सॉल्व करना है। इसके बाद ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, ये हैं 3 डिजिट्स, 3 एडेंड के साथ में ये नंबर्स हैं। इसमें भी कैरी हैं लेकिन इसमें पहले वंस डिजिट से इसमें भी स्टार्ट करेंगे, 8 9 और 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20। 20 का यहाँ पर 2 कैरी को इधर लिखा हुआ है सर्कल में, 2 1 2 और 1, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, तो आंसर आएगा 6 0 60। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करना है, 5 4 9 9 और 8 17, 17 में 1 इधर और 7 इधर। इसके बाद इस 1 2 4 और 2, इन 4 डिजिट को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 4 7 और 2 9, तो यहाँ पर आएगा 9। और इसी तरह से रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने और इनको भी इन सम्स को कॉलम में लिखते हुए ऐड करना है। अब इनको हम पढ़ेंगे, ये भी ऐड है। बिफोर डिस्ट्रीब्यूटेड 57 बनानास एंड 35 एप्पल्स एमंग चिल्ड्रन। बिफोर ने 47 बनानास और 35 एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट किया है चिल्ड्रन में, तो टोटल कितने फ्रूट किए हैं, इस तरह से आपको टोटल करना है यहाँ पर प्लस लगा के। तो इन सभी में इसी तरह से करना है, आप पढ़ेंगे एपिजन एट
20 ग्रेन्स ऑन द फर्स्ट डे, 28 सेकेंड डे, 25 ऑन थर्ड डे। एक पिजन ने एक दिन तो 20 ग्रेन्स खाए, दूसरे दिन खाए 28 ग्रेन्स और तीसरे दिन खाए हैं 25 ग्रेन्स। तो टोटल कितने ग्रेन्स खाए हैं, तो इनको भी इसी तरह से ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, अ शेफर्ड हैज 52 वाइट सीप एंड 33 ब्लैक सीप। इस पर 52 तो है वाइट सीप और 33 है ब्लैक सीप, तो टोटल कितनी सीप है, इसमें भी प्लस का साइन देकर इसमें भी आपको ऐड करना है। और ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और इसी तरह से आप ऐड करते रहेंगे, इनको पहले लिखेंगे इस तरह से, और ऐड करने का तरीका भी हम पिछले क्वेश्चंस में आपको बता चुके हैं, तो इनमें आपको करना है। कुछ इसमें कैरी भी आएंगे, किसी में नहीं भी आ सकते हैं, और इसी तरह से आपको इनमें करना पड़ेगा, आगे आप करते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें, इसमें 28 एप्पल्स फर्स्ट डे, 35 ग्रेप्स एंड सेकेंड डे एंड 9 ग्रेप्स लिए थर्ड। अब इसमें ये 9 ओनली वंस डिजिट है, तो वंस प्लेस पर ही लिखकर हम यहाँ पर प्लस का साइन पुट करके फिर हम इसको टोटल करेंगे, तो इनको इस तरह से लिखा जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ये टिक द राइट करके यानी प्लस करके ही सॉल्व करना है, और इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। और आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से ऐड करते हुए सॉल्व करेंगे। थैंक यू।